हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर टॉप 3 स्मार्टफोन बताएंगे जो कि आपको 15,000 के देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई बेस्ट स्मार्टफोन बता दो जो कि हमारी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके अंडर 15,000 में। लाइक हमें अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाए, टॉप लेटेस्ट कैमरा देखने को मिल जाए, पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाए जिसकी वजह से हम गेमिंग कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप पूरा देख लेना। आज की वीडियो के अंदर हमने काफ़ी रिसर्च, एनालाइज एंड रिव्यू करने के बाद ये 3 स्मार्टफोन सेलेक्ट किए हैं जिनके अंदर आपको काफ़ी अच्छे फीचर प्रोवाइड कराए गए हैं कंपनी की तरफ से। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे फीचर एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद प्राइस। दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहला पॉइंट बता दूँ, 3 स्मार्टफोन हमने रैंकिंग वाइज नहीं रखे हैं बिकॉज अपने प्राइस पॉइंट पर, अपने फीचर के अकॉर्डिंग और अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से ये 3 स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है या फिर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं आपको सारे फीचर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस लिस्ट का फर्स्ट स्मार्टफोन रहता है IQ की तरफ से Z6। काफी अच्छा मोबाइल फोन है अंडर 15,000 में। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको काफी अच्छे फीचर प्रोवाइड कराए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल फोन की डिस्प्ले के बारे में। IPS LCD 6.58 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। स्मूथनेस आपको डिस्प्ले के अंदर काफी अच्छी देखने को मिलेगी। 83.9% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। मोबाइल फोन के अंदर आपको ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 6 नैनोमीटर के साथ आता है। फनटच 12 एंड एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड है, तो काफ़ी पावरफुल आपको चिपसेट भी देखने को मिल जाता है। आपको कोई भी मोबाइल फोन के अंदर लैग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। मोबाइल फोन के रियर पार्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो प्लस आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस देखने को मिल जाता है। 1080p/30fps में आप रियर कैमरे से मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। 1080p/30fps में फ्रंट कैमरे से भी मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इजीली। मोबाइल फोन के अंदर आपको 3.5mm का जैक देखने को मिल जाएगा। आप इजीली ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.1, USB Type-C 2.0, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, तो आपको काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी भी देखने को मिल जाती है। 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। 18W का वायर्ड फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। डायनामो ब्लैक क्रोमेटिक ब्लू, ये 2 कलर स्कीम देखने को मिलेंगी। मोबाइल फोन के अंदर आपको बैक एंड फ्रेम दोनों प्लास्टिक की देखने को मिलेंगी। फ्रंट में डिस्प्ले के अंदर ग्लास की प्रोटेक्शन। 185 ग्राम का वेट, 8.3mm की थिकनेस। मोबाइल फोन काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट और कॉम्पैक्ट भी है। इन हैंड फील आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलने वाली है। 15,000 के अंदर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन रह सकता है, स्मार्टफोन की अब तरफ जा सकते हैं। ओके, बात करते हैं इस लिस्ट के सेकेंड स्मार्टफोन के बारे में। अगर आप वीवो का स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, वीवो T1 Pro 5G आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन रह सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, IQ Z6 और Vivo T1 Pro लगभग सिमिलर स्मार्टफोन है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फीचर बता दूंगा तो आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों स्मार्टफोनों में क्या डिफरेंस है। बात करते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। इसमें भी आपको IPS LCD 6.58 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है और 83.9% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो, साइड बेजल भी आपको काफ़ी पतली देखने को मिली जाती हैं। ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 11 और फनटच 12 पर बेस्ड है, तो काफ़ी अच्छा चिपसेट भी देखने को मिल जाता है। मोबाइल फोन के रियर पार्ट में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस प्लस आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस देखने को मिल जाता है। 1080p/30fps में आप मोबाइल फोन के रियर कैमरे से मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट में सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। 1080p/30fps में आप फ्रंट से भी मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको 3.5mm का जैक देखने को मिल जाएगा, तो आप इजीली ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.1, USB Type-C 2.0, साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। 5000mAh की इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको बैटरी देखने को मिलेगी विद 18W वायर्ड फास्ट चार्जर के साथ। स्टारलाइट ब्लैक एंड रेनबो फंटासी, ये 2 प्रीमियम आपको कलर स्कीम देखने को मिल जाएंगी जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बात करते हैं मोबाइल फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बैक एंड फ्रेम आपको इस स्मार्टफोन के भी प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे। 187 ग्राम का वेट, 8.3mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है। साथ ही मोबाइल फोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छा लाइक इनहैंड फील देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, 15,000 के अंदर कोई वीवो का स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं तो इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट मोबाइल फ़ोन के बारे में जो कि रहता है दोस्तों मोटोरोला की तरफ से। काफ़ी सारे लोग मोटोरोला के स्मार्टफोन पसंद करते हैं। अंडर 15,000 में काफ़ी सारी कमेंट आई थी कि भाई कौन सा स्मार्टफोन परचेस करें मोटोरोला का, तो आप डेफिनेटली मोटोरोला मोटो G62 5G की तरफ से आ सकते हैं। ट्रूली 5G स्मार्टफोन देखने को मिलता है।
काफ़ी अच्छे टॉप नॉच लेवल के फीचर प्रोवाइड कराए गए हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे फीचर एक्सप्लेन कर देता हूँ। IPS LCD 6.5 इंच की डिस्प्ले स्मार्टफोन के अंदर भी आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, तो स्मूथनेस मोबाइल फोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। 85.2% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, तो साइड बेजल भी आपको काफ़ी ज़्यादा पतली देखने को मिल जाएंगी। ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्लस 5G प्रोसेसर के साथ आता है, 8 नैनोमीटर पर आता है, जो कि एंड्रॉयड वर्जन 13 पर बेस्ड है। काफ़ी पावरफुल चिपसेट है इस प्राइस पॉइंट पर, एंड एंड्रॉयड वर्जन आपको लेटेस्ट देखने को मिलता है 13, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मोबाइल फोन के कैमरा सेटअप के बारे में बात करें, रियर पार्ट में ट्रिपल देखने को मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, एंड सारे बेसिक रिमाइंडर फीचर देखने को मिलेंगे मोबाइल फोन के रियर कैमरे में। 1080p बाय 30fps प्लस 60fps रियर कैमरे से आप मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर देखने को मिलेगा। 1080p बाय 30fps में आप लाइक फ्रंट से भी मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 3.5mm का जैक भी देखने को मिल जाएगा, तो आप इजीली नो डाउट ईयरफोन यूज़ कर पाओगे। ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिल जाती है, USB टाइप सी 2.0, साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, तो काफ़ी अच्छी आपको सिक्योरिटी भी देखने को मिल जाती है। 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, 15 वॉट का वायर्ड फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। मिड नाइट ग्रे, फ्रस्टेड ब्लू, ये दो प्रीमियम कलर स्कीम देखने को मिलेंगी। ओवरऑल बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो दोस्तों बैक एंड फ्रेम दोनों आपको प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे, ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी डिस्प्ले के अंदर। मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 184 ग्राम का वेट, 8.6mm की थिकनेस देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं, स्मार्टफोन के अंदर आपको वाटर रेपेलेंट डिज़ाइन देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन के ऊपर थोड़ा बहुत पानी चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, नो डाउट। तो दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा मोबाइल फ़ोन लाइट वेट, कॉम्पैक्ट और स्लिम देखने को मिलेगा। इन हैंड फील आपको मोटोरोला की ब्रांडिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगी। इस स्मार्टफोन को भी आप परचेस कर सकते हैं, अगर आप कोई अंडर 15,000 में मोटोरोला का स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप मोटो G62 5G की तरफ जा सकते हैं। बेस्ट प्राइस लिंक इस स्मार्टफोन के भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों ये तीनों स्मार्टफोन अपने प्राइस के हिसाब से, अपने ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, काफ़ी ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी है। आप अपनी चॉइस या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से कोई सा स्मार्टफोन भी परचेस कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली और एक न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।